सब कुछ है मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने दीप्ति सेंटर में कॉल करके उनके लिए प्रार्थना कराया और उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कराया, और प्रभु की ये आशीष से उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर भी मिला। और 19 जनवरी 2023 को मेरी बहन की शादी भी हो गई और बहुत अच्छे से शादी हो गई। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने अद्भुत कार्य किए। हम लोग बहुत दिनों से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों से देख रहे थे, कोई ना कोई कमी हो जा रही थी। लेकिन जब पिछली जनवरी में मैंने प्रेयर करवाया और इस जनवरी आते आते 19 जनवरी 2023 को मेरी इस बहन की शादी हो गई, और बहुत अच्छे से, मुझे डर भी लग रहा था कि शादी ये कैसे होगी, बारात में ये कोई गलत काम ना होने पाए, क्योंकि बारात आती है शादी में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है। इस बात को सोच करके मैं बहुत डरती थी। मैं इसके लिए भी प्रार्थना कराई कि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए और सुखी सुखी संपन्न होने पाए, कोई भी परेशानी ना आने पाए, और मैंने प्रार्थना कराया और प्रभु की इस पर ब्लेसिंग हुई और मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से हुई। मैंने, हम 5 भाई बहन हैं, मेरी सबसे छोटी बहन की शादी थी और सब मेरे पापा भी नहीं हैं, और मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया और मेरी बहन की शादी बहुत ही अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे घर में हुई है। उसके लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं, उसके जीवन साथी पे भी ब्लेस किए परमेश्वर ने, और वो बहुत खुश है। मैं जब होटल से शादी हो रही थी, उस होटल में जाने से पहले मैंने फिर प्रेयर सेंटर पे एक मैंने कॉल करके ये प्रार्थना कराई। एक बहन ने मेरी ये बहन की शादी के लिए प्रार्थना की और बहुत अच्छे से शादी हो गई। इसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया यीशु। सही में हमारा प्रभु अद्भुत है, अद्भुत कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छे से शादी हुई, ये कोई कुछ भी ही नहीं कहा, सब लोग खुश थे कि बहुत ही अच्छे से शादी हुई। इसके लिए सारी आदर महिमा हम अपने परमेश्वर, जीते परमेश्वर के देते हैं। जो मैंने कहा था कि हे पिता परमेश्वर, आप वहाँ खड़े हो करके मेरी बहन की शादी कराइएगा, क्योंकि जब आप खड़े रहेंगे तो किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, और अच्छे से होगा। और परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को सुना और वहाँ खड़े हो करके बहुत अच्छे से, जैसे मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से मेरी बहन की शादी हो गई। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, दीप्ति प्रेयर सेंटर उस मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं और हम जब भी कॉल करते हैं तब हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं यूपी से हूँ, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा परमेश्वर पिता की देती हुई प्रार्थना सुनने और कबूल करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन।